आज सुबह पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करके जब पंजाब में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए अरेस्ट करके लेके जाती है, तो फिर से गैर कानूनी रूप से हरियाणा की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और पंजाब की पुलिस को रोक दिया जाता है। तो ये आज साफ स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडे को, एक दंगई को, एक लफंगे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। और ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक गुंडों की पार्टी है, दंगइयों की पार्टी है, हिंसकों की पार्टी है। तो जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब कोई दंगई पकड़ा जाता है, जब कोई उनका लफंगई करने वाला पकड़ा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक लगा देती है, गैर कानूनी रूप से लगा देती है कि वो अपने एक गुंडे बदमाश दंगई को बचा सके। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी को बचाने के लिए जो गैर कानूनी कार्यवाही करी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप पूरे देश के सामने आ गया है कि गुंडागर्दी, लफंगई, हिंसा, दंगे करने वालों को बचाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है और गुंडों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है।